ओके सो स्टार्ट है अब हमारा टॉपिक। ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी क्रिएटिव कॉर्नर यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक अ साउंड कंट्रोल लाइट एंड फैन। अब कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं इससे, सिंपल है बिल्कुल। स्टार्टिंग का लूंगा मैं इसके अंदर, आर्डिनो बेसिक लूंगा इसके अंदर, और आप इजी तैयार कर पाएंगे। चलो पहले वॉइस चेक कर लेते हैं, फटाफट बता दो मुझे वॉइस क्लियर आ रहा है तो। एक सेकेंड मैं भी चेक कर लेता हूँ। ओके सिंपल है बिल्कुल। स्टार्टिंग का लूंगा मैं इसके अंदर, आर्डिनो बेसिक लूंगा इसके अंदर, और आप इजी तैयार कर पाएंगे। चलो पहले वॉइस चेक कर लेते हैं, फटाफट बता निकुंज दो हेलो, मुझे वॉइस निकुंज क्लियर आ हेलो, रहा है शुभ्रो तो। हेलो। हेलो हेलो सोहन, हेलो एवरीवन। ओके सो आज अपन आर्डिनो वाला टास्क करेंगे, ठीक है। टॉपिक का नेम मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। हाउ टू मेक अ साउंड कंट्रोल लाइट्स एंड फैन, कुछ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये वन एट अ टाइम वन ही चीज़ होगी। इस इट्स क्लियर, इस पर यस सर इट्स क्लियर। ओके थैंक यू सो मच बताने के लिए, वॉइस क्लियर है तो। ओके थोड़ा सा वॉइस वॉइस आ रहा है, वॉइस मुझे भी ज़ीरो करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके सो आपको मैं थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ अनअकैडमी के बारे में, एज योर फाइनल एग्जाम विद द अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है एट 10% ऑफ फॉर एप्लीकेबल इन 28 फरवरी। देखो जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनको भी फटाफट अगर नेक्स्ट मंथ के लिए सोच रहे हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज अगर हम लेना चाहते हैं स्टडी के लिए, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आए 28 फरवरी तक आप उसको ले सकते हैं, तो 10% ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। बस वहाँ आपको रेफरल कोड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, SATEESHYT10। ये कोड बहुत मस्ट है, आप रजिस्टर करना, ठीक है। तो अनअकैडमी का कोर्स लेने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो प्रैक्टिकल पे समझते हैं, फिर आपको मैं समझाऊंगा कुछ स्कॉलरशिप के बारे में, बहुत सारे प्राइजेस के बारे में, मैं कैसे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्लासेस कैसे ले सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा अभी आगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम सतीश कुमार रावत है और मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे रोबोटिक्स पढ़ाता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल कराता हूँ, लाइव आगे कराता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लाइव क्लासेस लेता हूँ, तो यहाँ पे भी आप जुड़े रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे, सोहन आप न्यू स्टूडेंट आई थिंक मेरे ख्याल से। ओके सो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रहो। मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस है रोबोटिक्स और प्रैक्टिकल्स को लेकर, मैं लाइव आके लाइव आपसे बातें भी करता हूँ, प्रोजेक्ट्स भी बनाता हूँ। तो चलो आज का टॉपिक क्या है वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आज का टॉपिक है हमारा स्मार्ट होम ऑटोमेशन को लेके, मींस स्कूल के हिसाब से अगर मैं कंसीडर करूँ, आप लोग अभी सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ में हैं, तो आपके लिए मैं लेके आया एक सिंपल सा स्मार्ट ऑटोमेशन, जिसमें आर्डिनो यूज़ होगा, साउंड सेंसर यूज़ होगा और रिले मॉड्यूल। ध्यान से सुनना, इसमें साउंड सेंसर है, आर्डिनो भी यूज़ हो रहा है और रिले मॉड्यूल है। देखो आप लोग अभी मेरे ख्याल से बहुत छोटे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको कोड कमेंट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, अगर कोड में कोई इशू आ रहा है। अदरवाइज इसी कोड से आप अपना रोबोट भी वर्क कर सकते हैं, रोबोट भी चला सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट में सबके बताऊंगा आपको, लाइट भी चला के दिखाऊंगा, इसी से फैन भी चला के दिखाऊंगा, लेकिन हाँ ये यूनिक है, कितना अच्छा लगेगा। मैं अपने रूम के अंदर आया हूँ, अपनी लैब के अंदर, जैसे मैंने क्लैप किया तो लाइट ऑन होगी, दोबारा क्लैप किया तो ऑफ होगी। तो ये टास्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देख लेते हैं और कितने जने आ रहे हैं अभी। देखो सर्किट डायग्राम के अंदर बता देता हूँ मैंने यहाँ पे, देखो मैंने एक साउंड सेंसर यूज किया हुआ है। साउंड सेंसर में बेसिकली तीन, देखो ये साउंड सेंसर यहाँ पे अलग है, मेरे पास अलग है, मैं दिखाऊंगा मैं आपको। बस इसका मैंने VCC जो है हमारा आर्डिनो के अंदर दिया हुआ है, आप आज की जगह आर्डिनो ऊनो मेगा मिनी कुछ भी यूज कर सकते हो। देखो आर्डिनो एक ऐसा डिवाइस है, ये ऐसे चिप है जिसके अंदर हम अपना कोड अपलोड करते हैं, और कोड अपलोड करने के बाद हम इसे परफॉर्म कराते हैं। अगर आपने यही चीज़ कॉलेज में स्कूल में दिखा दिया आपने, तो और आपने परफॉर्म करा दिया, तो आपको बोलते हैं ना कि अलग सा टेंशन मिलेगा। और आर्डिनो अपने में ही एक यूनिक है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। बस इसका समझ नहीं आता कि करते कैसे, तो उसके लिए मैं आपको लाइव बताऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हम DC सोर्स पे काम करेंगे इसके। सर मैंने बिना पंप का ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर सोच रहा हूँ, मोटर से रात को डायग्राम बनाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बना सकते हो विदाउट शुभ्रो, आप अगर मैं बताऊँ आपको विदाउट पंप आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए सोलेनोइड वाल्व की ज़रूरत पड़ेगी सैनिटाइजर के लिए, ग्रेविटी बेस आप बना सकते हो इसको, मैं बता दूंगा। चलो विदाउट मोटर ग्रेविटी बेस, उसके लिए सोलेनोइड वॉल्व, सोलेनोइड वॉल्व समझते हो, सोलेनोइड वॉल्व का यूज़ होता है आरओ पंप वगैरह के अंदर, वहाँ मैंने यूज़ किया हुआ था, और उससे आप इजीली बना पाओगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है।
चलो तो यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्चुअल में क्या है। मैंने यहाँ पे देखो रिले मॉड्यूल का यूज़ किया हुआ है, ये रिले है, रिले किस तरह से काम करता है, क्या काम होता है, अभी प्रैक्टिकल लाइव दिखाऊंगा तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। आर्डिनो पे भी दिखाऊंगा, वन बाय वन सबको समझाऊंगा, देन उसके बाद हम इस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो अभी आपको मैं कुछ डिटेल दूंगा अनअकैडमी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको डिटेल दूंगा जिसमें आप एग्जाम्स वगैरह कौन से जो फ्री कंडक्ट करा जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से, स्कॉलरशिप कहाँ से कहाँ मिल सकता है, फ्री क्लासेस कैसे ले सकते हैं, सारी डिटेल दूंगा मैं आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे पहले अपन यहाँ पे करते हैं हमारा डेस्क ऑन, ये देखो हमारा टेबल ऑन हो गया, ठीक है। मैं भी सामने दिख रहा हूँ आपको आई थिंक। अच्छा इसको मैं सेट कर सकता हूँ यार, हाँ एक सेकेंड रुको, इधर उधर घूमता हुआ दिख रहा हूँ आप लोग को मैं। ओके मैं आपको दिख रहा हूँ मेरे ख्याल से लाइव अच्छे से। चलो देखो ये हमारे पास पूरे कंपोनेंट है मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। पहली चीज़ हमें साउंड सेंसर की ज़रूरत है। देखो मेरे पास जो साउंड सेंसर है वो ये वाला है, दिख रहा है आपको। अब इस साउंड सेंसर के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं वन बाय वन, ताकि आप इसको अच्छे से परफॉर्म करा पाओ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये टास्क भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं उनको सब चीज़ें समझ में आए, तो इसके लिए मुझे चाहिए एक एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा मुझे, जिससे कारण आपको समझ में आएगा। पेन ले लेते हैं अपन, एक सेकेंड, कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही पड़ता अपन को, है ना। ये रहा पेन, देखो। सो फर्स्ट देखो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में सबसे पहले, ताकि आप इसके बारे में समझ सको। ये है हमारा साउंड सेंसर, ठीक है। जूम कर रहा हूँ देखो मैं, ओके आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये। अरे ये तो मुझसे बड़ा हो गया पर अच्छा है, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। ओके 5 जने यहाँ पे, हेलो एवरीवन, वीडियो को लाइक करो पहले फटाफट से। आज साउंड कंट्रोल रोबोट वाला बनाएंगे हम। सर मैंने बिना पंप के बनाया, वेरी गुड वेरी गुड, वॉइस इज क्लियर। ओके नाउ द फर्स्ट आपको बता दूं, ये साउंड कंट्रोल मॉड्यूल आता है, आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये ज़्यादा ऑनलाइन आप ले सकते हो इसको, और ऑनलाइन लोगे तो आपको ये लगभग लगभग 100 से 150 रुपये के आसपास या फिर 200 रुपये के आसपास पड़ सकता है। लेकिन ये ख़राब नहीं होता है, आप अगर मेरे से क्लास लेके पढ़ रहे हो तो ये जनरली ख़राब नहीं होता है। छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, पीछे कुछ ना कुछ शॉर्ट हो जाता है, तो वो हम थोड़ा सा देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं सब चीज़ें बताऊँगा आपको। देखो सबसे पहले ये कभी भी कोई भी मॉड्यूल हो तो उसमें कोई ना कोई पिन होती है। VCC मतलब पॉजिटिव की पिन होगी, देखो यहाँ दिख रहा है आपको। VCC मतलब ये पॉजिटिव की पिन है, GND मतलब नेगेटिव की पिन है, ये आउटपुट मतलब इसमें हमें आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ के आउटपुट को, इस आउटपुट को आप आर्डिनो में दे के परफॉर्म कराओगे, ठीक है। अब ये जो साउंड को कैसे लेगा, तो देखो ये एक माइक लगा हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे, याद है वो एक कार आती थी बचपन में, टक 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 आवाज़ करते थे ना, तो वो गाड़ी चलती थी, बटन टक करो तो उस पर एक माइक लगा रहता था, ऊपर इतना बड़ा माइक होता था और उससे वो गाड़ी चलती थी, और वापस टक करो रिमोट को, ऐसा कुछ रिमोट आता था तो बहुत तेज़ साउंड जनरेट करता था, ठीक है। और बड़ी महंगी आती थी, मेरे घर वालों ने दिलाई नहीं मेरे को मैंने बना ली फिर तो सर फर्स्ट क्लास कर रहा हूँ। ओके रिशु सिंह, हेलो हेलो रिशु, आप फर्स्ट क्लास कर रहे हो तो मैं आपको फर्स्ट क्लास के हिसाब से बताऊंगा। बाकी से पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, मैं लाइन वाइज लाइव क्लासेस लेता हूँ मैं। तो सबसे पहली चीज़, तो जितने भी स्टूडेंट हैं ना, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, सतीश कुमार टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो वो कनेक्टेड हो जाओ वहाँ पे, ताकि नई की नई क्लासेस आपको वहाँ पे मतलब जो भी क्लासेस के अपडेट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। रेगुलर लाइव क्लासेस लूँगा, लाइव प्रैक्टिकल्स कराऊंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओ और रोबोटिक्स करके आ रहा होगा, देखो नीचे टेलीग्राम ग्रुप सतीश कुमार लिखा आ रहा होगा, सतीश सर लिखा आ रहा होगा, वो ज्वाइन हो जाओ फटाफट से। चलो ठीक है, साउंड सेंसर मतलब हमारे साउंड को लेगा और वो साउंड वाले सिग्नल को डिकोड करेगा, ठीक है। देखो पहली बात, साउंड सेंसर का मतलब हम जब यहाँ से बोल रहे हैं, बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट ऑन हो जाए उसको लेगा, ये किसी भी तरह के साउंड को ले सकता है, चाहे वो क्लैप हो जोर से टेबल पे अपने मुक्का मारा उसका ले सकता है, या मैं जोर से चिल्लाऊँ उसका भी ले सकता है, ठीक है। तो ये जो माइक है उस तरह से काम करता है, ये देखो माइक है, ठीक है। ये जो इसके अंदर देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आउटपुट को होल्ड करने के लिए लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में समझना। ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये बोलते हैं पोटेंशियो मीटर, ठीक है। देखो पोटेंशियोमीटर सिंपल भाषा में सबको समझाऊं तो इससे ये सेट किया जाता है कि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ना नॉर्मल धीरे से क्लैप किया, टक ऐसे ऐसे क्लैप किया तो भी चल जाए, या फिर हम यहाँ पे बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो कि मिसबिहेव करने लग जाए, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो जाए, तो ये थोड़ा तेज चल, तेज हम क्लैप करें ये वाला जो साउंड है उस पर चले, तो उसके लिए हम इसको घुमा के सेट करना पड़ता है। ये हमारा जो स्पीकर आता है ना, उसमें वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना, वो उसी तरह से वर्क करती है चीज़ें, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, इसकी सेंसिटिविटी को सेट करते हैं, ठीक है, ताकि दूर से एक्टिवेट हो जाए, पास से एक्टिवेट हो जाए,
बात समझ में आ गई, पोटेंशियोमीटर वाली बात समझ में आ गई। माइक हमारे सिग्नल को यहाँ से लेगा, ये एनालॉग सिग्नल लेता है। एनालॉग सिग्नल का मतलब किसी तरह का वेरिएशन वाला जो सिग्नल आते हैं, ठीक है, वो इसमें लेता है। उसके बाद हमें यहाँ डिजिटल सिग्नल मिलता है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे हम पावर देंगे, अब इसके अंदर 5 वोल्ट दोगे, यहाँ पे GND आएगा और यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा साउंड सेंसर। किसी भी तरह का साउंड सेंसर अलग अलग हो सकता है, लेकिन वर्किंग सबका सेम है। यहाँ पे 3 आउटपुट या 4 आउटपुट को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको? रीशु बताओ मुझे, आपको समझ में आया? मैंने आप पे फोकस किया थोड़ा सा, साउंड सेंसर थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो ओके, देन उसके बाद हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो और आएगा, ठीक है। ओके नाउ द सेकंड थिंग, देखो हमें चाहिए एक कंपोनेंट और। देखो आप अगर इन चीज़ों को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप ऐसा है कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसका मतलब आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको बस एक बार देखिए, अच्छे से करिए परफॉर्म, और 100% वर्क करेगा ये चीज़ें, ठीक है। कैसे करेगा, चलो मैं दिखाता हूँ। ये है हमारे पास रिले मॉड्यूल, इसका नाम क्या है, रिले मॉड्यूल मतलब एक तरह का स्विच, ठीक है। ये जो मॉड्यूल हमारे काम में आता है, किस काम में आता है, हमें किसी भी डिवाइस को ऑन या ऑफ करना होता है तो ये डिवाइस एज अ स्विच काम करता है। इसमें होता क्या है, एक मैग्नेटिक स्विच होता है, मतलब हम इसमें जब पावर भेजते हैं ना, तो ये पावर भेजने के बाद अपने आप ही इसको ऑन कर देता है, किसी भी चीज़ को ऑफ कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मैग्नेटिक कॉइल होती है। जैसे बताओ तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखना, ये हमारा एक आयरन का पैन है, लोहे का पैन बोल रहा हूँ मैं इसको, पिन, ठीक है। देन इसके आगे यहाँ पे मैग्नेट है, जब मैं इसके सामने मैग्नेट लेके जाऊँगा तो ये पिन इस पर चिपक जाएगा ना। अगर मैं मैग्नेट दूर लेके जाऊंगा तो ये अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा, स्प्रिंग से बंधा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है सॉरी, देखो कहने का मतलब ये है कि जब इसके अंदर पावर मैग्नेटिक पॉइंट बनता है तो ये पिन इधर आती है, ठीक है, ऑन हो गया स्विच। जब पावर डीमैग्नेटाइज होता है, पावर ऑफ होती है, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे चल जाता है। तो ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इस तरह से वर्क करता है। मतलब सिंपल सिंपल लैंग्वेज में ये एक तरह का स्विच है, ठीक है, बस इसे मैग्नेटिक स्विच बोलते हैं। इसका नाम है रिले मॉड्यूल, सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल, ठीक है। ये अप्रोक्स 150 रुपये के आसपास मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, ओके, समझ में आया? आशीष तिवारी, हेलो सर, आई एम अंश तिवारी विद माय ब्रदर मोबाइल। ओके अंश, मैं आपका वेट कर रहा था, आप लेट हो, कितने मिनट लेट हो? टोटल 15 मिनट सजा दी जाएगी आपको। चलो देखो यहाँ पे समझो, ठीक है। तो अभी मैंने रिले मॉड्यूल के बारे में थोड़ा बताया आपको, क्लैप्स साउंड सेंसर के बारे में बताया, ठीक है। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये, जल्दी से बताओ इसको क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी टाइप करके बताओ इसका नाम क्या है। अगर आप लोगों ने न्यू स्टूडेंट जितने भी इसको देख रहे हैं, कितना बड़ा बोर्ड है, इसका नाम बताओ क्या है, अगर आप बता सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा बोर्ड है, इसे बोलते हैं आर्डिनो ऊनो। अच्छा, मैंने जूम कर रखा है, इसे बोलते हैं हम आर्डिनो ऊनो बोर्ड। और एक्चुअल में क्या होता है, अभी आप स्कूल लेवल पे हो, तो अगर आप जैसे फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, बास्केटबॉल खेलते हो, तो ऐसे आपके आने वाले टाइम पे या हो गया होगा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर रोबोटिक्स की पूरी क्लासेस कंडक्ट कराई गई हैं स्कूल्स के अंदर, और वहाँ आपको रोबोटिक्स सिखाया जाएगा, तो वहाँ पे ये कंट्रोलर पे वर्क कराया जाएगा। ये एक कंट्रोलर है जिसका नाम आर्डिनो है, ARDUINO, आर्डिनो है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोड को अपलोड करते हैं। कोड मतलब कोई भी कमांड हमने जो कंप्यूटर में लिखा होता है, उस कमांड को हम अपना, जैसे बोल दिया हमने कि भाई लाइट ऑन हो जाए, तो हम लिखा है वहाँ पर लाइट LIGHT लाइट ऑन, तो अब वो कमांड जो है हमने इसमें फीड कर दिया कि भैया तो इसमें आ जा फटाफट, इसमें अपलोड कर दिया। अब जब मैं लाइट ऑन बोलूंगा तो ये साउंड सेंसर क्या करेगा, उसको रीड करेगा और उसको लेगा, ठीक है, मतलब किसी तरह का साउंड लेगा, पर्टिकुलर साउंड नहीं, वहाँ पे किसी भी तरह का साउंड एक्टिवेट करके लेगा और उसको वर्क करेगा। मतलब बेसिकली सिंपल सी लैंग्वेज में ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम अपना कमांड को सेव करते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर से उसको सेव करते हैं, और उसको अपनी कमांड के अकॉर्डिंग इसको चलाते हैं। इसका नाम आर्डिनो ऊनो है, कि हम जो कोड अपलोड करते हैं वो यहाँ से अपलोड करते हैं, ठीक है। ये USB पोर्ट है, ठीक है, इस USB पोर्ट से हम कनेक्ट करेंगे केबल को अपने कंप्यूटर से, और कंप्यूटर में जो कोड होता है इसमें अपलोड हो जाता है। इसके अलावा पावर देने का पॉइंट ये दिया हुआ है, इसको 9 वोल्ट तक का पावर दे सकते हो, 7 वोल्ट से 9 वोल्ट तक का पावर इसमें आ सकता है। इसके अलावा इसमें देखो कितनी सारी पिंस दी हुई हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, क्योंकि इसके कनेक्शन अभी आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, 1 टाइम 2 टाइम करोगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। हाँ, आर्डिनो ऊनो बोर्ड, आर्डिनो ऊनो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबने बताया आर्डिनो ऊनो का मतलब, पता है इटली की लैंग्वेज में 1 होता है, ऐसा मैंने पढ़ा था, पता नहीं सही है कि नहीं, ठीक है। ओके, निकुंज भी है यहाँ पे, नमन जैन, हेलो नमन, निकुंज,
रिशु, हेलो रिशु, आप सभी देखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे, अब ये आर्डिनो बोर्ड के बारे में समझो। एक्चुअल में आज जो हमें कोड करना है, तो आपको आर्डिनो बोर्ड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। पहली चीज़, ये जो आपको स्विच दिख रहा है मेरे सर के ऊपर, यहाँ ऊपर ऊपर, ठीक है, ये स्विच जो दिख रहा है, ये वाला स्विच अगर आप प्रेस करोगे कोड अपलोड हो जाने के बाद, तो हमारा ये हमारा मिनी कंप्यूटर मान लो, ये हमारा जो आर्डिनो है, ये स्टार्ट रीस्टार्ट हो जाएगा ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका कोड उड़ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसमें कोड दबाने से कोड उड़ जाएगा। नहीं, ये बटन जो दिया हुआ है रीस्टार्ट के लिए दिया हुआ है। अगर आपका प्रोग्राम कभी कभार हैंग कर रहा है किसी पोजिशन पर, या आपको लग रहा है कि मुझे इसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है लेकिन पावर को ऑन ऑफ ना करूँ, तो आप ये बटन दबा के रीस्टार्ट कर सकते हैं, तभी वो रीस्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से कोड नहीं उड़ेगा उसका अंदर का। ठीक है, ये एज ए कंप्यूटर का अपना काम होता है ना, वैसे ही काम करता है बेसिकली। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में रीस्टार्ट बटन होता है ना, कंप्यूटर ऑन ऑफ भी नहीं हो रहा और रीस्टार्ट भी हो जा रहा है, बस ये वही चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा देखो हमारे पास यहाँ पे पिन दी हुए, ध्यान से देखोगे ना, वी इनपुट, आप इसके अलावा जी एन डी और 5 वोल्ट। देखो कहीं पे भी आपको 5V लिखा है, इसका मतलब 5 वोल्ट वहाँ पे आ रहा है, मतलब 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। जी एन डी का मतलब यहाँ पे ग्राउंड पिन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जैसे बैटरी के अंदर होता है ना, देखो देखो जैसे बैटरी में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव को GND बोला जाता है। ये देखो नेगेटिव को ये जो दिख रहा है इसको GND पॉइंट बोला जाता है, इसके अलावा पॉजिटिव को VCC या 5 वोल्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, तो हम इसको सेंसर में पावर देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में 3.3 वोल्ट और इधर भी 5 वोल्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें को 5 वोल्ट एक इधर भी दिया हुआ है, एक इधर भी दिया हुआ है, GND एक दो, तो हमारा काम हो जाएगा इससे आराम से। इसके अलावा देखो आपको बता दूँ, पूरे आर्डिनो बोर्ड के अंदर 0 से लेकर 13 तक की पिन होती हैं, टोटल 14 पिन है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एनालॉग पिन दी हुई है A0 से लेकर A5 तक। ये सारे पिन जो है एज अ इनपुट और आउटपुट डिफाइन की जा सकती है, किसी को भी आप इनपुट और आउटपुट डिफाइन कर सकते हो। मतलब किसी भी पिन पे एक सेंसर लगाया, 4 लाइट लगा ली, ठीक है, क्योंकि 5 आउटपुट और यहाँ पे 20 है हमारे पास, तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमारा टास्क क्या है कि हमें एक सेंसर लेना है एज अ इनपुट और एक रिले लेना है एज अ आउटपुट, 1 इनपुट और 1 आउटपुट। तो यहाँ पर टोटल 20 पिन है, तो 20 पिन में से हम क्या करेंगे, एक ही इनपुट को ले लेंगे, एक ही आउटपुट को यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? हेलो आईटी टेक, आप आज दिन वाली क्लास में नहीं आए थे, मैंने आपको मिस किया कि आईटी टेक क्यों नहीं आया, नहीं आया था, कंफर्म नहीं आए थे आप। सर आज क्या पढ़ा रहे हैं? आज साउंड, क्लैप कंट्रोल, लाइट और फैन, आर्डिनो के थ्रू है ना। ठीक है, चलो 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 इसको स्टार्ट करते हैं। पूरे आर्डिनो के बारे में मैंने आपको थोड़ा 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 समझा दिया, ठीक है। अगर इसको आप कोड अपलोड करोगे चलाओगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए होगा क्या, आर्डिनो हो गया हमारा, क्लैप सेंसर हो गया, साउंड सेंसर हो गया, और चाहिए हमें 2 उड़न तस्तरी। टिंग टिंग, मेरे सर पे गिर गया। देखो ये देखो, ये हमारे पास है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है कुछ प्रोपेलर्स, ये है प्रोपेलर्स, पंखे और पंखुड़ी, कुछ भी बोल लो उसको, ठीक है। एक सेकंड रुको, मुझे थोड़ा लगता है कि इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा अपन को। ओके ठीक है। सर आप अन अकेडमी लाइव लेबोरेटरी पे भी पढ़ाते हो क्या? हाँ निकुंज, मैं दोनों जगह पढ़ाता हूँ, अन अकेडमी लाइव लेबोरेटरी पे भी पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप, मैंने कहा ना, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन क्यों नहीं हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाओ सतीश सर करके टेलीग्राम ग्रुप चैट आ रहा होगा उस पर ज्वाइन हो जाओ, को अपडेट मिल जाएगा कहाँ पे कौन सा क्लास होता है, बिल्कुल लाइव। इंस्पायर अवार्ड के बहुत सारे प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ, स्मार्ट डस्टबिन से लेकर स्मार्ट ग्लासेस से लेकर बहुत सारी क्लासेस मिलेगी आपको यूट्यूब पे। साउंड कंट्रोल रोबोट के अलावा वॉइस कंट्रोल रोबोट, ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोट, ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको कराने वाला हूँ, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ फटाफट, ठीक है। अच्छा, 9 के 9 स्टूडेंट पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैंने ही नहीं सब्सक्राइब किया हुआ इस फोन में, ठीक है। देखो चैनल को, देखो आपको क्या करना है, इस चैनल को ऐसा सब्सक्राइब करना है, क्लिक करना, उसके बाद देखो यहाँ पे बेल आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ये देखो ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो गया, देन उसके बाद ओके, और हाँ लाइक तो करो, ठीक है, लाइक कर देना इस तरह से, ओके। ये मैं एक ही बार बता सकता हूँ, मैंने सब्सक्राइब कर लिया, मैं किसे बताऊँगा, अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये प्रोसेस कर लो आप, ताकि आप मुझसे जुड़ जाओ और नोटिफिकेशन मिल जाए आपको मेरी सारी क्लासेस का, ठीक है। चलो अभी प्रोपेलर्स मिल गए हैं, हमें पंखा चाहिए, साथ में हमें एक मोटर चाहिए, एक लाइट भी चाहिए। देखो ये एक लाइट है 12 वोल्ट की या 9 वोल्ट की, ये एक्चुअल में आप इसे 9 वोल्ट से भी चला सकते हो, ये मैं लेके आया था दिवाली टाइम पे, अभी काम में आ रही है, बची हुई है, देखो इसको मैं चला रहा हूँ नॉर्मली, ये देखो कितना तेज जल रहा है ना,
तो इसको मुझे साउंड से चालू करना हो तो कैसे चलाएंगे? तो एज ए लाइट हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हम एसी सोर्स कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डीसी सोर्स पे काम करने वाले हैं। तो हमें पता लग गया 9 वोल्ट पे हमारा एक काम कर रहा है। साथ में हम एक फ़ैन का भी ट्राई करेंगे। पंखड़ी 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 कौन वाली पंखड़ी लगाई है, ब्लू वाली या रेड वाली? ये देखो ये रहा हमारा प्रोपेलर, तो हम इसको भी ट्राई करने वाले हैं। तो इसके लिए हमको चाहिए स्टैंड। थोड़ी सी बुरी हालत है इस पंखों की, बहुत पुराने पंखे निकाले मैंने। ठीक है, ये प्रोपेलर भी तैयार हो चुका है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें कनेक्शन करते हैं। देखो मैंने कनेक्शन डायग्राम इसका दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमको सबसे पहले कोड देखना पड़ेगा। कोड हम खोल लेते हैं, एक सेकेंड। अगर मैं आपको शेयर करूँ कोड, देखो आप देखो कौन सी, सभी मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे छोटे स्टूडेंट है, तो कोड वगैरह में आपको कोई इशू आता है तो कोड में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक सेकंड रुको, मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कोड, देखो मेरे ख्याल से आपको कोड दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोड खुला हुआ है, इसको मैं पहले रन कर लेता हूँ। पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ, जितने भी न्यू स्टूडेंट आए अभी। एक सेकेंड, आपको कोड दिख रहा है? नहीं कर रहा कोड लगता है। हाँ दिख रहा दिख रहा दिख रहा। ओके ओके सर, व्हाट इज एसीडीसी? यहाँ पे अंश पूछ रहे हैं कि व्हाट इज एसी सर, मेरे पास 10 प्रोपेलर है बड़े वाले। वेरी गुड, ओके नो प्रॉब्लम, यू आर लेट, तो कोई बात नहीं अगर आप लेट आए हो तो सर आप आने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो एसी का मतलब, देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं अंश कि व्हाट इज द डिफरेंस, पूछा क्या होता है व्हाट इज एसीडीसी। ओके, सो एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब होता है डीसी करंट। मतलब बेसिकली क्या होता है, मैं जो एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ ये पूरा का पूरा डीसी बेस है। डीसी मतलब इसमें हम किसी भी तरह का घर की पावर सप्लाई को यूज़ नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ बैटरी की पावर यूज़ करेंगे या फिर हम मे बी एडेप्टर यूज़ कर सकते हैं। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट डेंजर। ठीक है, आप लोग जितने भी छोटे स्टूडेंट हैं उसको अभी यूज़ ना करें, तब जब तुम जब आप बड़े हो जाओगे तब उसको यूज़ करना, आई मीन जब 11th 12th में आ जाओगे तब आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट बैटरी से आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जितने चाहे एक्सपेरिमेंट करो, सब बैटरी पे होते हैं। ये होता है डीसी, इसमें जो पावर स्टोर होती है डीसी होती है, जो अपने सॉकेट में आता है ना, प्लग में आता है, वो वाला जो होता है अल्टरनेटिव करंट एसी होता है डेंजर। ठीक है, आया समझ में? एसी डीसी फुल फॉर्म में अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, ओके तो देखो हमारे पास यहाँ कोड है, हमने यहाँ पे सेंसर को डिफाइन किया हुआ है A0। ठीक है, उसके बाद हमने देखो क्लैप कंडीशन की पोजीशन को 0 किया हुआ है। इसके अलावा देखो हमारे पास सेंसर कहाँ कनेक्टेड है। देखो ये सेंसर जो है यहाँ पे पहले हमने प्री डिफाइन किया हुआ है एज ए इनपुट, तो सेंसर यहाँ पे किसके नाम से डिफाइन किया हुआ है, A0 पिन पे। तो हमारा जो आर्डिनो का बोर्ड है, आपको अगर पता होगा आर्डिनो का जो बोर्ड दिख रहा है आपको, इस आर्डिनो बोर्ड पे मैंने A0 पिन आपको डिफाइन की थी, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो पिन नंबर 13 पे आ रहा है। ठीक है, पिन नंबर 13 पे हमारा आउटपुट आ रहा है, उसको हम कनेक्ट करेंगे और यूज़ करेंगे। ठीक है, पिन नंबर 13 पे यूज़ करेंगे, सेंसर ये हो गया, आउटपुट 13 पे आ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये ट्राई करते हैं। अब इसी से आप क्लैप करके रोबोट भी चला सकते हो, तो हम रोबोट वाला भी करेंगे एक नॉर्मल। अब ये तो एक टफ टास्क, ये तो थोड़ा सा टफ कोड है, बाकी आपको कोई इशू नहीं आएगा, इसको अपलोड कर लेना डायरेक्ट। एक सिंपल कोड भी बताऊंगा जिसे आप खुद से टाइप करके चला सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस कोड को अपलोड करते हैं ताकि मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझा पाऊँ। देखते हैं, सॉरी सर, आई एम नॉट जॉइन क्लास बिकॉज आई एम मेकिंग माई इलेक्ट्रिक साइकिल। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अभी आप आया हो अभी तो ज्वाइन करो। सर अगर घर की पावर यूज किया और कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं घर से बाहर आप घर से बाहर, सही बात है, तो इसलिए मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कराता हूँ एसी अल्टरनेटिव करंट पर। ठीक है, पहले मैं अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। देखो जब भी आप कोड अपलोड करोगे आर्डिनो बोर्ड में, तो आप टूल में जाना, टूल में जाने के बाद देखो बोर्ड, ये एक्चुअल में इसके बारे में बता दूँ, ये पूरा का पूरा आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आर्डिनो का सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्टली आप गूगल पे लिखेंगे ना arduino.cc, तो वहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इसके अलावा आप जब सॉफ्टवेयर को खोलेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा बोर्ड। देखो यहाँ पे बोर्ड आपका आर्डिनो ऊनो होना चाहिए हमेशा, ये कॉम्पोर्ट आना चाहिए, कॉम्पोर्ट नहीं आ रहा तो आपका ड्राइवर मिसिंग है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये AVR ISP होना चाहिए। देखो आपको पूरी चीज़ें मैंने बता दी, ये पोजीशन रहनी चाहिए, चेंज मत करना।
ठीक है, मैं तो कुछ ना कुछ करते काम करते वक्त चेंज करता रहता हूँ, लेकिन आपको चेंज नहीं करना, यही पोजीशन आनी चाहिए अपलोड करने के लिए। तो चलो अपलोड के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात देखो, ये राइट पे क्लिक करोगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो जो कोड है वो रन करेगा, ये सेव करने को मांग रहा है। अब देखो नीचे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा इधर की साइड में तो कि कंपाइल हो रहा है। अगर ये सही से कंपाइल हो गया तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा रन कंपाइल, डन कंपाइल लिखा आ जाएगा। देखो डन कंपाइल हो गया यहाँ पे। इसके बाद इसको हम अपलोड करेंगे तो यहाँ डन अपलोड आएगा, तो एरो का जो साइन दिख रहा है आपको इस साइड वाला, तो ये अपलोडिंग का साइन है। ठीक है, मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये सेव करने को मांग रहा हूँ, दोबारा मैं सेव नहीं कर रहा इसको। ओके, कोड हमारा इसके अंदर अपलोड हो चुका है। तो अगर मुझे यहाँ पे अपना साउंड सेंसर कनेक्ट करना है तो मुझे आपको ये दिखाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो ये जो हमारा कोड है इसमें केबल से हमने कोड को अपलोड कर दिया है। चलो उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि सम टाइम ये आर्डिनो बोर्ड थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम करता रहता है, परेशान करता रहता है, तो वैसा प्रॉब्लम ना करे इसलिए क्रॉस चेक करने के लिए मैं देखो पहले जम्पर वायर ले रहा हूँ। दिस इज अ जम्पर वायर, यू कैन बाई फ्रॉम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एनी वेयर। ओके, ये हमें कनेक्शन करने में ईजी होते हैं, आसान होते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये देखो हमारे तीनों वायर इसमें कनेक्टेड हो चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा पहले VCC को मैं जोड़ूंगा, हमारे बोर्ड से पावर दूंगा, तो VCC का मतलब 5 वोल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा GND हमारा कौन सा है, बीच वाले पिन, तो नेगेटिव दे रहा हूँ। देखो मैंने आपको कहा था ना पहले पावर देते हम, देखो हमारे बोर्ड को पावर मिल चुकी है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इस बोर्ड से दे दिया मैंने 5 वोल्ट। आपको ध्यान से दिखा देता हूँ, देखो दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, देखो 5 वोल्ट दे दिया ना, GND दे दिया। ओके, तो यहाँ पे पूरा कनेक्टेड हो गया। अब इसके बाद, अब मुझे इसके बाद जो कनेक्ट करना है आउटपुट, आउटपुट कनेक्ट करना है A0 के अंदर। ये साउंड मुझे लग रहा है ये काम नहीं करेगा क्या? सेंसर तो काम कर रहा है लेकिन इस तरह से काम, इस तरह से बिहेव नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए। चलो कुछ ट्राई करते हैं इसको करने का, एक सेकंड, हमें चाहिए थोड़ी सी एलईडी, वाइट एलईडी, एक एलईडी लेनी पड़ेगी क्रॉस चेक करने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि काम कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं तो हम फिर इसमें दूसरा कोड अपलोड करेंगे। ठीक है, हम इसमें एक छोटी सी एलईडी लगा रहे हैं एक नॉर्मल ट्राई के लिए, इससे हमारा काम नहीं बन रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है। तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि हमारा कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। कनेक्शन देख लेते हैं, हमारे 13 के अंदर सही तो है, फिर क्या गड़बड़ आ रही है? ऑल ओके, कुछ तो गड़बड़ है दया, एक सेकंड। डिजिटल VCS आउटपुट A0 VC, तो हमारा क्या गड़बड़ हो सकता, हमारा LED चलना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? कोड को रन करते हैं दोबारा एक बार। कोड को दोबारा अपलोड कर रहे हैं, एक बार देखते हैं। बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा, कोई तो प्रॉब्लम है दया, कुछ तो प्रॉब्लम है। चलो थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होता रहता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वॉइड सेटअप, वॉइड कोड, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल और करते हैं इसको, थोड़ा सा टफ हो गया ना इसलिए मिसबिहेव कर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा हम चेंजेस इसमें करते हैं। हमारा जो कोड है पिन नंबर 2 पे हम अपलोड करेंगे बाय चांस, तो हमारा काम बन सकता है। रुको एक सेकेंड सर, आर्डिनो को रीसेट करो, नहीं आर्डिनो रीसेट, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट रोबोटिक्स है, एक बार में परफेक्ट आउटपुट नहीं आते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं हम ये वाला, क्योंकि
क्योंकि वहाँ जो साउंड सेंसर यूज़ हो रहा था ना वो एनालॉग सेंसर होगा मेरे ख्याल से, इसीलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये मैंने यूज़ कर लिया है। अगर मैं इसको पिन नंबर टू में यूज़ करूँ, एक सेकेंड, इसको लगाया मैंने, पिन नंबर टू हमारा कहाँ है? ओके, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है काम कर रहा है। ठीक है, और ये थोड़ा सिंपल कोड है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, सो काम कर रहा है, काम कर रहा है ये वाला। देखो 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 देखो, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा मेरे को स्क्रीन दिख जाए। ठीक है, देखो देखो, ठीक है, अभी थोड़े से चेंजेस किए मैंने, देखना अभी दिख रहा आपको, ये देखो अब दिखेगा रोशनी, दिखना। अरे फिर गड़बड़ गया, रुको एक सेकंड, ये हिल रहा है, डुल रहा है। देखो काम कर रहा है, मतलब तेज क्लैप करना पड़ रहा है, थोड़ा दूर से करता हूँ। देखो, अच्छा ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव और करना पड़ेगा इसको। चलो ट्राई करते हैं थोड़ा सा। नहीं, बैटरी ITTech बैटरी है मेरे पास, केबल है ना, एक केबल से तो पावर आ रहा है ना, जरूरत क्या है, ये तो केबल का कमाल है। इसको थोड़ा सा सेंसिटिव करते ताकि दूर से भी लेने लग जाए। हाँ शायद ये काम करने लग जाएगा, देखो दूर से कर रहा है, देखो थोड़ा दूर जा रहा हूँ मैं, और देखो देखो अब थोड़ा आराम से कर रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मुझे एक्चुअल में ये लाइट नहीं जलानी, मुझे जलानी ये वाली लाइट है। चलो इस पर ट्राई करते हैं। ठीक है सर, पावर भी USB से आ रहा है? हाँ तो पावर USB से ही तो आ रहा है इसके अंदर, आप कोई भी टास्क इसे USB से कर सकते हो। ठीक है, मतलब जब मोटर वगैरह यूज़ करते हो तब आप दूसरा यूज़ कर लो, बात समझ में आई आपको? लेकिन नॉर्मली USB से काम करता है 100%, से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखो जब तक लाइट आ रहा है इसके अंदर पावर आ रहा है, ध्यान रखना हमेशा, लाइट आ ही रहा है एनी टाइम। ठीक है, तो चलो पहले एक्चुअल में क्या इस लाइट को जलाते हैं, तभी हम थोड़ा सा समझ पाएंगे इसको अच्छे से, है ना। चलो इसको हमने रखा है यहाँ पे, अब मुझे ये लाइट चलाना, तो पहले मुझे समझना पड़ेगा ये जो लाइट इसके चार चार वायर क्यों दिए, तो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एक साइड के वायर को हम यूज़ करेंगे ताकि हम इसको कनेक्शन को कर पाएँ। ठीक है, एक मिनट को देखो, दिखाता हूँ, अब इसको चलाएंगे, देखेंगे ये बड़ा वाला कैसे काम करता है ना। ओहो, ड्रैगन चाहिए होगा हमें, वायर छीलने वाला हमारा कटर का है। पावर कम हो गया, अब भी देखो इसको, पहले हम इसको छीलते हैं वायर को, थोड़ा सा वो बड़ा करते हैं, मुझे ये वाली लाइट चलानी मेन तो। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा पावरफुल लाइट। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव पहले पहचानना पड़ेगा। देखो देखो, ओके जल रहा है, देखो कितना तेज जल रहा है ना, तो ये वाला मेरा रेड वाला पॉजिटिव है क्योंकि मैंने यहाँ बैटरी से चेक कर लिया चला के। देखो सिर्फ बैटरी से चलती है चीज़, ध्यान 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 देना। ठीक है, घर पर नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना। बेल्ट वायर ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि मेरे को जम्पर वायर ख़राब ना हो। ये देखो, ये देखो, ठीक है, मैं जम्पर वायर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी बेल्ट ये वाला वायर का यूज़ कर रहा हूँ, और ये निकाला मैंने वायर, और थोड़ा सा वायर मैं इसमें जोड़ूँगा, देखना किस तरीके से मैं रिले का यूज़ करूँगा यहाँ पे। एक्चुअल में क्या, मुझे रिले चलाना, थोड़ा सा दांतों का यूज़ करना पड़ेगा आज मेरे को। ओके, सो फर्स्ट देखो मैं क्या करता हूँ, ये येलो वाला को पॉजिटिव मानता हूँ, इसमें जोड़ देता हूँ, फिर टेप लगा, थोड़ा सा वायर बड़ा करना पड़ेगा इसका, कि छोटे में परेशान करेगा अपन को, है ना। देखो अभी देखो ये रिले मॉड्यूल से, देखो अभी मैं इसे डायरेक्ट जोड़ूंगा ना तो हमारा आर्डिनो खराब हो सकता है, या फिर पावर बहुत ज़्यादा खींचने लगेगा क्योंकि ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, या फिर बहुत डिम जलेगा, तो इसको मैं डायरेक्ट नहीं जोड़ सकता जैसे छोटी LED जोड़ी थी। ठीक है, ये ज़्यादा वाट की है, ठीक है 12 वाट की है, तो मैं इसको क्या करूँगा, अलग से पावर दूंगा वो भी रिले की सहायता से। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया मेरा। ठीक है, ऐसे मैंने टेप लगा दिया ताकि चिपके का शॉर्ट भी नहीं होएगा। अब देखो क्या करना है आपको, एक बैटरी कैप लेना है। ठीक है, सो फर्स्ट देखो बैटरी कैप के अंदर आपको पता ही है, रेड वाला, ये वाइट येलो वाला पॉजिटिव है, रेड वाला पॉजिटिव आपस में जोड़ दो। ठीक है, मुझे क्या रिले जोड़ना है, रिले जोड़ना सीखो। देखो सर, हाउ टू डू क्लास ऑन अकेडमी, यू जस्ट कनेक्ट विद द टेलीग्राम ग्रुप, आपको सारी क्लासेस लेना आ जाएगा अन अकेडमी पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ITTech,
वहाँ जाके ज्वाइन हो जाओ, सतीश सर टेलीग्राम ग्रुप लिखा होगा, वहाँ सारी अपडेट आती है कौन सी क्लासेस फ्री है कौन सी क्या है। बाकी अभी जो सब्सक्रिप्शन लेना आपको, उसके लिए मैं आपको डिटेल दूंगा अनअकैडमी का और स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। पहले ये वाला टास्क कर लें हमारा, थोड़ा इन चीज़ों में टाइम लगता है, ठीक है। सारा लाइव प्रैक्टिकल चलता है, ये देखो ये हो गया ये। अब देखो ये हमारे पास रिले मॉड्यूल है, एक्चुअल में इसका हम यूज़ करने वाले हैं। देखो इस वाले रिले मॉड्यूल में अगर ध्यान से देखोगे तो देखो इनपुट मांग रहा है, VCC मांग रहा है, GND मांग रहा है। तो पहले इसको पावर दे देते, जैसे हमने सबको दिया पावर। अरे जम्पर वायर, जम्पर वायर, जम्पर वायर किधर है, जम्पर वायर हमारे पास दूसरे वाले जम्पर वायर है, क्या करें, इन्हीं का यूज़ करते हैं। ओके सो फर्स्ट मैं देखो यहाँ जम्पर वायर लगा रहा हूँ तीनों में, मुझे रिले चलाना। आप देखना इसका फ़ायदा, देखना VCC येलो वाला जो हमारा है वो VCC है, 5 वोल्ट दे रहा हूँ मैं आर्डिनो के 5 वोल्ट में। GND मतलब नेगेटिव दे रहा हूँ मुझे, ठीक है। तो मैंने नेगेटिव दिया, देखो पावर आ गया। पावर देने से मतलब सही जोड़ रहे हैं, कुछ गलत जोड़ते तो ये बंद हो जाता, ये भी बंद हो जाता। और ये तो चालू है ही से, देखो इस पर टच करूँगा तो लाइट दिखेगा कुछ जलती हुई, देखो दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है हमारा पिन नंबर 13 पे जाएगा, 0 1 2 3, ये 13 पिन नंबर जो जोड़ा, देखो कनेक्ट भी हो गया। अब देखो मैं इसको कुछ रिएक्ट करूँगा तो देखना वर्क करेगा, देखना अभी हमारा कोड डाला हुआ है इसमें, देखना अभी देखो कर रहा ना रिएक्ट, बंद हो गया, देखना अभी दिख रहा है। तो देखो ये इस ग्रीन लाइट पे फोकस करना, ये कोड को ले रहा है, इससे पता लग रहा है। देखो देखो दोबारा देखना, ठीक है। तो हमारा ये क्रॉस चेक हो रहा है कि हम अब इस स्टेप को आगे बढ़ाएं, तो हमारा रिले वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास एक अलग से सोर्स लेना पड़ेगा बैटरी का। देखो ये हमारा बैटरी का सोर्स है, मैं लाइट को अलग से चलाना चाहता हूँ, तो ये देखो मेरा लाइट आ गया, ठीक है। और आपको ये दिखा दूँ, मैं यहीं रख देता हूँ ताकि आपको रोशनी से पता लगे। अब देखो इन दोनों को मैं टच करूँगा तो क्या होगा, एक सेकेंड रुको इसको चिपकाने दूँगी तो क्या होगा। देखो इन दोनों को मैं टच करूँगा तो क्या होगा, देखो इधर देखो लाइट जलेगी, ये जो लाइट हो रही है ये मैं हाथ से ना गिरने चाहता, ये सेंसर। तो मुझे क्या करना है, रिले के 3 पॉइंट है, उस 2 पॉइंट को ढूंढो टच करके, देखना भी जिससे लाइट है ना चालू हो जाए। देखना ये चालू हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, बीच वाली पिन तो आपको रखनी ही रखनी है। इस बीच वाली में हमेशा एक कनेक्शन जाएगा जाएगा, बाकी किस में कनेक्शन करना है, जिसमें लाइट नहीं चले। देखो इसमें नहीं चल रही है, इसमें चल रही है, तो इसमें कनेक्शन हमें नहीं करना है, इसमें कनेक्शन करना है, ठीक है। ये सिंपल सा है, और स्क्रू ड्राइवर कहाँ है ढूंढना पड़ेगा, रुको। ओके सो स्क्रू ड्राइवर मिल जाए हमें, गया गन हमारी। देखो मैं सबसे पहले बीच में, देखो कभी भी आप रिले यूज़ करो तो बीच वाला कॉमन होता है, ये हमेशा यूज़ में आएगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हमेशा यूज़ में होगा, ठीक है। तो मैं बीच में कोई सा भी वायर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये लाइट चालू करनी सीधी सी बात, ठीक है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और अपडेट करेंगे, मैंने जो अपडेट किया था वो सही से काम नहीं कर रहा था, फिर मैंने दूसरा अपडेट लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो वायर है मेरा, मैंने कहा था ना जिसमें लाइट नहीं जले, देखो सब कनेक्शन जोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं, कनेक्शन सब जुड़ा हुआ है। देखो इस पे लाइट जल रही है तो हमें इस पे नहीं जोड़ना, ऊपर वाले पे जोड़ना, ठीक है। ये सारा का सारा DC बेस है, DC मतलब डायरेक्ट करंट बेस, मतलब बेस बैटरी बेस, किसी तरह का कोई पावर का इशू नहीं होगा इसके अंदर, कोई करंट वगैरह आएगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेफ है, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा देखो यहाँ कनेक्शन पूरा हो गया है। अब मैं जब क्लैप करूंगा ना तो पावर इसको बाईपास होकर इधर से जाएगी, आर्डिनो से पावर नहीं जाएगी। देखना अभी मैं क्लैप कर रहा हूँ, ये लाइट चालू हो जानी चाहिए, ठीक है। देखो हो रहा है ना सर, आई एम कमिंग नाउ, ओके माय फादर मोबाइल बिकॉज, ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। देखो इधर क्लैप कर रहा हूँ, ये साउंड सेंसर थोड़ा सा साउंड को इस तरह से लेता है, लेकिन हाँ ये वर्क करता है। मैं अभी थोड़ी दूर से चलाऊंगा ना, मतलब क्लैप करूंगा तब भी लेगा, लेकिन थोड़ा सा क्लैप करना पड़ेगा जोर से। देखो कितना तेज जल रहा है, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ, देखो ये देखो है ना। अब देखो थोड़े से हम चेंजेस और करते हैं इसके अंदर, और हमारा जो कुछ सेकंड के लिए और चालू कर देते हैं इसको, हम इसमें चेंजेस कर दे रहे हैं। सिंपल सा कोड बता रहा हूँ मैं अब आपको,
ठीक है, फिर इसको और अपग्रेड कर देंगे हम। ओके तो कोड मुझे वापस अपलोड करना पड़ेगा, इसके अंदर अपलोड हो जाने दो, एक सेकेंड का कोड दिखा देता हूँ। ठीक है ये देखो, अभी मैंने कोड में थोड़े से चेंजेस किए हैं, ये सिंपल एक कोड चला रहे हैं हम। ठीक है देखो कोड के अंदर क्या है, देखो मैंने क्या किया, इनपुट 2 डिफाइन किया है, ठीक है आउटपुट हमारा 13 डिफाइन किया हुआ है कि हमारा जो कनेक्टर किस में लगा हुआ है। इसके अलावा देखो इसमें कंडीशन लिखी है कि जैसे ही हमारा पिन नंबर 2 मतलब क्लैप सिग्नल जो है हमारा पिन नंबर 2 आर्डिनो की पिन नंबर 2 को दे देगा, तब हमारा कौन सा पिन नंबर 13 हाई हो जाएगा, अब 5 सेकंड के लिए हाई हो जाएगा, देन उसके बाद वो लो हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो इसको एक बार ट्राई करते हैं दोबारा से, थोड़ा सा टाइम मैंने बढ़ा दिया इसका, और अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ, कैमरा पलटेंगे हम। देखो अब देखना ये कितनी देर के लिए चलेगा, देखो क्लैप 1 2 3 4 5 6, 5 ही था वैसे तो। देखो ठीक है, क्लियर है? नहीं रिशु ये बोल के वर्क नहीं करेगा, मेरे को इसके पास जाना पड़ेगा, ये देखो मेरे को बहुत ज़्यादा पास जाके बोलना पड़ेगा तब जाके ये साउंड को इसको लेता रहेगा। हेलो 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 हेलो, तो इतने पास से ले रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बोलने से वर्क करेगा, ये बोलने वाला जो होगा ना पर्टिकुलर लाइट ऑन फैन ऑन ठीक है चार्जर ऑन, तो ये जो होगा ब्लूटूथ बेस बनाएंगे हम आने वाले कुछ टाइम में, लेकिन पहले बेसिक करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आएगी, आर्डिनो क्या होता है, इनपुट क्या होता है, GND क्या होता है। ठीक है तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे भी कराऊंगा जिसमें वॉइस कंट्रोल करके भी कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है ओके, अभी देखो यहाँ तो हमने क्या किया है, ये अभी हमने क्या किया है एक तरह का सिंपल सा लाइट चलाया, अब इसको मैं हटा के फैन चलाना चाहूँ तो भी फैन चल जाएगा। ठीक है चलो जोड़ते हैं, सबसे पहले मेरे को थोड़ा सा स्टैंड चाहिए तो मैं यहाँ पंखा बनाने की कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा सा स्टैंड लगा रहा हूँ मैं ताकि मेरा पंखा जो है वो घूम सके। ठीक है ओके, तो ये मेरा स्टैंड तैयार है ताकि मेरा फैन जो है घूम सके इस तरह से, देखो ठीक है। हमारी मोटर तैयार है, अब देखो दो वायर ये रहे, मैं क्या करूँगा देखो इस मोटर के वायर डायरेक्ट इसमें जोड़ रहा है, ये कटिंग करके हटाना पड़ेगा, या फिर दोनों को एक साथ भी जोड़ सकते हो, लेकिन मैं भी फिलहाल हटा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर हमारा कंज्यूम करेगा, तो इसको हटा दे क्योंकि हमने अभी लाइट वाला देख लिया, एक फैन वाला भी देख लेते हैं। अरे निकल जा सर, बहुत अच्छा समझ आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड इशू। हेलो रोबिन सिंह, कहाँ गया हमारा कटर, ड्रैगन कटर कहाँ गया? रोबिन सिंह वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। ओके ओके देखना, अभी देखना ये पंखा कैसे चलेगा मस्त वाला। अभी इसको हम थोड़ा सा ऐसा रखते हैं, थोड़ा सा मैंने इसको पास चिपका दिया, बाकी ये घूमेगा तो, अरे ये तो वायर आ रहेगा, रुको इसको थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा पीछे की तरफ, और ये थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा। ओके ये मैं रैंडमली जोड़ रहा हूँ क्योंकि मोटर के लिए कोई पॉजिटिव नेगेटिव की जरूरत नहीं होता है, लाइट के लिए होता है। ठीक है ध्यान रखना, इसलिए रैंडमली जोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है ये देखो हो गया, ये थोड़ा दूर रख दिया मैंने, कुछ मेरे को चाहिए कि चले, देखो मैं अभी काम भी कर रहा हूँ ना तो ये चालू नहीं हो रहा अभी, कनेक्टेड है अभी, मुझे क्लैप करेंगे तब चलना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है तो मैं देखो बोल रहा हूँ तो भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो चलो इसको क्लैप करते हैं, देखिए पंखा चलेगा नहीं चलेगा। सर ये कौन सा मोटर है आप यूज कर रहे हो? चंद्रा मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपल डीसी मोटर है, देखो सिंपल सा डीसी मोटर है, वो खिलौने में निकलता है ना उस टाइप का ही है, थोड़ा सा अच्छा वाला ऐसा मान लो। ओहो मुझे हवा आ रहा है ना, देखो शानदार, देखो देखो एक तो मैं टी शर्ट में बैठा हूँ पंखा चला रहा हूँ। जल्दी से बताओ कैसा लगा, ये काम कर रहा है ना? अब सोचो कि आपको कि नहीं सर मैं तो कि थोड़ा सा हम और चेंजेस कर दें, बिल्कुल सिंपल सिंपल टास्क, बिल्कुल सिंपल टास्क। देखो आप यहाँ पे कोड को थोड़ी देर समझो, आप मुझे बताना समझ में आया नहीं आया। ठीक है सिंपल सा कोड डाला मैंने ये वाला, इससे पहले मैंने थोड़े से चेंजेस किए थे पर वो हमारा सही से काम नहीं कर रहा, तो ये सिंपल वाला बता रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहले
हम इस वॉइड सेटअप के अंदर कोड समझना 100% समझ में आएगा, बस ये कंसंट्रेट करना। वॉइड सेटअप के अंदर कोई भी हम सेंसर का इनपुट या आउटपुट लिखते हैं, तो देखो हमारे पास सेंसर क्या है, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे साउंड सेंसर हमारे इसके पास, तो साउंड सेंसर हमारा इनपुट है। तो देखो साउंड सेंसर हमारा पिन नंबर 2 पे, आर्डिनो की पिन नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो पिन मोड लिखा हुआ 13 पे जुड़ा हुआ है, मतलब इस पे हमने अपने रिले के कनेक्शन किए हैं। अब ये वर्क कैसे कर रहा है कि जब हमारा इफ डिजिटल रीड सेंसर 2 इज इक्वल टू हाई, मतलब जब ये इक्वल इसके बराबर आ जाता है, मतलब उसे कंपेयर करता है या हाई हो जाता है, तो हमारा जो पंखा है ना वो चालू हो जाए कितनी देर के लिए। देखो यहाँ पे लिखा 5 सेकेंड, 5000 मिली सेकेंड है ये, तो ये 5 सेकेंड हुआ। ओके ओके थैंक यू सो मच एवरीवन। देखो इधर 5 सेकंड पे चालू हो गया, 5 सेकंड बाद ये एल से लिखा है कि भैया तुम लो हो जाओ, ठीक है आपको और देर चलाना तो और चला लो, ठीक है। अब इसमें बाई चांस मान लो आपको ऐसा कुछ करना है कि पहले चालू हो जाए फिर ऑफ हो जाए फिर चालू हो जाए ऑफ हो जाए, देखो थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। इधर देखो ये हमने ये किया, अभी मैं इसको पहले ऊपर देखो 5 सेकंड चलना था कोड के अंदर, अभी इसी को हम थोड़ा सा क्या करते हैं स्लो करते हैं, ठीक है। अब इसको देखो मैं क्या स्लो थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पे 1 सेकंड के लिए बंद करेंगे, फिर दोबारा इसी को चालू भी कर देंगे, पहले 1 सेकंड चलेगा 5 सेकंड चलेगा, ठीक है। ये देखो अब देखना इसको चेंजेस को, यहाँ समझो यहाँ पे लिखा मैंने कि भाई यहाँ पे 13 आ गया हाई, मतलब 5 सेकंड के लिए हमारा पंखा चले, फिर उसके बाद वो बंद हो जाए 2 सेकंड के लिए। देखो मैं टाइम चेंज कर रहा हूँ, 2 सेकंड के लिए बंद हो जाए मेरा, फिर उसके बाद दोबारा इतने सेकंड के लिए चले, फिर परमानेंट बंद हो जाए, ठीक है। चलो ये अपलोड करते हैं, ये अपलोड करेंगे, अब देखेंगे इसको जो हमने परफॉर्म कराया है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अरे आप लोगों को कोड दिखा नहीं क्या, 1 सेकंड रुको कोड के लिए, अरे हाँ यार कोड वापस, मैं कोई कैमरा बंद करना भूल गया। चलो ये देखो दोबारा देख लो कोड, देखो मैंने कोड के अंदर थोड़े से चेंजेस किए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सब न्यू स्टूडेंट, हाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट है ना, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं सब आप कनेक्टेड हो जाए, रेगुलर क्लास होगी रोबोटिक्स की, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। देखो एक कोड देखो दोबारा से, मैं वो कैमरा ऑफ करना नीचे वाला भूल गया। देखो इधर यहाँ पे इनपुट डिफाइन किया है या आउटपुट डिफाइन किया हुआ हमारे पास, इसके अलावा देखो हमने यहाँ पे एक एक कंडीशन लिखी है कि भाई जब हमारा पिन नंबर 2 पे सिग्नल आएगा तो हमारा जो पंखा है वो कितने सेकंड के लिए चले, 5 सेकंड के लिए चले। देखो 5 सेकंड डाला हुआ है यहाँ पे, ये 5000 मिली सेकंड का मतलब 5 सेकंड है। इसके बाद हमने बोला है कि भैया नहीं, अब उसके बाद 5 सेकंड चलने के बाद 2 सेकंड के लिए बंद भी हो जाए, फिर उसके बाद हमने एक चीज़ और डाली है कि भाई नहीं उसके बाद 5 सेकंड दोबारा चल जाए। मतलब सीधी सीधी बात है, हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी पंखा है, मैं क्लैप करूंगा तो ये 5 सेकंड चलेगा, 2 सेकंड बंद होगा, फिर 5 सेकंड चलेगा, फिर परमानेंट बंद हो जाएगा। बात समझ में आई, तो चलो इसको अप्लाई करते हैं। मैंने शायद इसको अपलोड कर दिया है, अब मैं कैमरे को ट्विस्ट कर रहा हूँ, ये देखो अब ट्राई करते हैं जो मैंने कोड लिखा है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। देखो 1 2 3 4 5 6 लगभग 5, देखो बंद हो गया, हवा चालू हो गया, मैंने कुछ नहीं किया अभी, ठीक है। देखो साउंड सेंसर यही है सब कुछ, ये बहुत तेज़ हवा दे रहा है, बहुत तेज़ हवा दे रहा है, इधर से हवा आती दे रहा है, ठीक है। अभी जैसे मैं इसको चालू, देखो परमानेंट बंद हो गया, ये चालू कब होगा, जब मैं क्लैप करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका कोड है। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर आप है ना ऐसा करो कि इसके साथ थोड़ी सी लाइट भी जला दो एक साथ, तो आप ये लाइट भी वहाँ कनेक्ट कर सकते हो, थोड़ी सी पावर का फर्क आएगा। चिपक गया तो, ओह माय गॉड चिपक गया। अरे ये तो बहुत ही सॉलिड चिपका है, बहुत पावरफुल था ये तो, ये डबल साइड टेप नहीं है, बहुत अलग टेप है, अब तो निकलेगा भी नहीं है। चलो इसको भी दिखा देता हूँ आपको, मैं मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार ये भी अगर जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, बस पावर का थोड़ा सा फर्क आएगा। मैं देखो जोड़ के बताता हूँ आपको ना, ये रेड वाला इस पर जोड़ देते हैं, मतलब फ़ैन के साथ साथ ये भी चलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। अब भी देखो ये सब रिले का कमाल है, ठीक है। ओके सो नाउ यहाँ हमारी सारी चीज़ें सही हैं, अब देखो लाइट भी वहाँ लग दी, ओहो तो चला ही नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि चले नहीं। लाइट नहीं चल रहा, मतलब ये पावर नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जनरली पावर हमारे पास कम पड़ रही है। सो अभी हमें क्या करना चाहिए, ओके 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 सो यहाँ मैंने ये है कि एक बार इसे लाइट कनेक्ट करके देख लेते, पता लग जाएगा ये चाल चल रहा है ख़राब हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं, हाँ मतलब ये पावर नहीं ले रहा है इसलिए ये सिंगल सिंगल ही वर्क करेगा, हमारा जो बैटरी है ना कम पावर का। अब चालू हो जाएगा दोबारा, देखो ये सेम वर्क कर रहा है, जो कोड हमने पंखे में डाला था ना सेम इसी में वर्क कर रहा है, मोटर क्या बहुत ज़्यादा पावर ले रही है, ठीक है।
देखो अच्छे से वर्क कर रहा है, अब मैं क्लैप करूंगा तो 5 सेकंड के लिए लाइट जलेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर चलेगी। हाँ दुख गया मेरे। हाँ फिर चालू हो गया। देखो अब देखो ये मेरा मोटिव आपको, ये सिर्फ एक लाइट चलाने नहीं सिखा, देखो इसका मतलब पता क्या है, हम जब इस पे नेक्स्ट काम करेंगे ना, अभी इसको हटा देता हूँ मैं, एक सेकंड, जब हम इस पे नेक्स्ट काम करेंगे ना, तब आपको पता क्या रहेगा, उस वक्त आप क्या करोगे, मतलब क्लैप करोगे तो आपका रोबोट चलेगा, कुछ देर चल के रुक जाएगा, दोबारा क्लैप करोगे दोबारा चलेगा रुक जाएगा, फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, क्लैप करेंगे हम तो रोबोट हमारा फॉरवर्ड चल रहा है, बैकवर्ड भी आ जाएगा अपने आप ही, तो इस तरह के टास्क आगे जाके इसी से होने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आई। 10 जने यहाँ पे कोडिंग का मैं कमेंट में पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं यही यहाँ से नहीं भेज पाऊंगा, अभी जो मैं जो क्लास ले रहा हूँ इसमें नहीं भेज पाऊंगा, इसको हटा देते हैं पहले, एक तो बैटरी लाइट चालू है। ठीक है, ये कोड को मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन इसको करूँ कहाँ, कैसे जुगाड़ करूँ। अच्छा मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक है ये लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, वैसे तो मैं कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो, आपको कोड याद होगा, सिंपल सा कोड डाला हुआ मैंने, है ना। ठीक है क्लियर है। अरे बंद नहीं हुआ क्या, सही तो है, दिख रहा होगा कोड। ठीक है चलो, ये चीजें समझ में आ गई आपको, चलो ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बता देता हूँ अनअकैडमी की, मैंने आपको बोला था ना कैसे ज्वाइन हो सकते हो। देखो सबसे पहले तो आप लोग अभी मेरे से कनेक्ट रहना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, सतीश सर चैट करके टेलीग्राम करके वहां पे क्लिक करो, ज्वाइन हो जाओ, न्यू न्यू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारा टास्क जो हमने किया था वो ये वाला किया, थोड़े से हमने चेंजेस कर दिया, वीडियो देख के जरूर करना। ठीक है इसके अलावा अनअकैडमी, देखो अनअकैडमी क्या, देखो अनअकैडमी क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हाई लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वहाँ पर टॉप एजुकेटर्स मतलब टॉप टीचर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे पढ़ाएंगे, जैसे मैं भी वहाँ पर रोबोटिक्स पढ़ाता हूँ तो आप मुझसे भी वहाँ चीज़ें बहुत सारी सीख सकते हो, मैं वहाँ भी सिखाता हूँ, यूट्यूब पर भी सिखाता हूँ। ठीक है तो अभी अनअकैडमी ने नया कुछ लॉन्च किया है, वो है आपके लिए अनअकैडमी आस्क अ डाउट, मतलब आप कुछ भी अनअकैडमी से पूछ सकते हो, अगर किसी भी तरह का कोई पूछना डाउट, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेंगे अल्टीमेट डाउट्स, आपको मिलेंगे आस्क एंड डाउट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते हो आप, आपको जो डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा वो हाई क्वालिटी सॉल्यूशन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, जैसे आपको चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा, इस तरह की पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी, साथ में आपको ये डाउट पूछना कैसे है। देखो सबसे पहले आपको डाउट पूछने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ स्टेप 1 आस्क अ डाउट, मतलब आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है एक सेकंड इसको खुले कर देता हूँ। अब देखो आपको सबसे पहले देखो आपका अनअकैडमी इंस्टॉल डाउनलोड ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे देखो आस्क अ डाउट में जाना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, उस क्वेश्चन में देखो जो भी क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट कर लेना, फोटो क्लिक कर लेना, फोटो क्लिक करने के बाद क्या है, ये मैं आपको डाउट सॉल्व करना बता रहा हूँ कि भाई कैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जो चीज़ आपको नहीं आती है। ठीक है चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो पूछना है पूछ सकते हो आप। ठीक है अनअकैडमी लेके आया आपके लिए, क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है आपको, उसके बाद डाउट को पेस्ट कर देना और कुछ देर आपको वेट करना है, उसके बाद आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी हाई क्वालिटी वीडियो के अंदर। साथ में देखो ये कुछ फीचर है अनअकैडमी के, ठीक है आपको अनअकैडमी ज्वाइन करके आपको कंफर्ट प्रोवाइड कराता है, जैसे लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ठीक है आपके उसके अलावा अल्टीमेट एक्सेस मिलेंगे आपको, एजुकेटर ऑफ द इंडिया मिलेंगे आपको, टॉप एजुकेटर मतलब सारे के सारे टॉप एजुकेटर एक जगह ही है, लाइव सीरीज चलेगी, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, स्टडी है, ठीक है मेंटरशिप पे और बैचेस भी चलते हैं न्यू की न्यू। ठीक है तो ये कुछ बैचेस है, इसके अलावा आपके देखो हर मंडे को न्यू बैचेस चलेंगे अन अकेडमी पे, आप वो भी देख सकते हैं। साथ में देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में, अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के जो कोर्सेज है, अगर आप 1 मंथ का लेते हो, देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, मैं समझा रहा हूँ, देखो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे 3,000 रुपीज़ पड़ेगा, 3 मंथ का लोगे आप 7,500 रुपीज़ पड़ेगा, 6,000 6 मंथ का लोगे 10,000 रुपीज़ पड़ेगा, अगर 24 मंथ का एक बार में लोगे तो यहाँ 25,000 रुपीज़ पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि आपको 1,042 रुपीज़ पे करना पड़ेगा ओनली फॉर पर मंथ। ठीक है 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लोगे तो इसमें बेनिफिट ज़्यादा है, 1,000 रुपीज़ के अंदर सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं, अगर आप अभी खुद भी कैलकुलेट करोगे अगर 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के अंदर हो तो सारे सब्जेक्ट की पर मंथ की कॉस्ट आपकी जा ही रही होगी, फीस 3-4 हज़ार रुपये या मे बी ज़्यादा भी जा सकती है 9th, ये मैं बात कर रहा हूँ 9th, 10th, 11th, 12th सब्सक्रिप्शन को लेकर। ठीक है मेरे ख्याल से यहाँ पे 30 से 40 हज़ार रुपये साल के 50 हज़ार रुपये लगते हैं, तो आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 साल के मिल जा रहे हैं 25,000 के अंदर, तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट है आपके लिए। ठीक है इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान है अन अकेडमी का, ये वाला सब्सक्रिप्शन प्लान में पता फ़ायदा क्या है, जो आपको प्लस में मिल रहा था लाइव डाउट क्लास, ठीक है
उसके अलावा क्रिएटिव कॉर्नर में मिल रहा था आपको, टेस्ट सीरीज में मिल रही थी सारी चीज़, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि आपको यहाँ पे पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर। लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होगी, वीकली रिपोर्ट तैयार होगी आपकी, साथ में पेरेंट्स से कनेक्टिविटी होगी, स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारे बेनिफिट मिलेंगे आइकॉनिक के अंदर। तो आइकॉनिक की कुछ फीस वगैरह बता देता हूँ मैं आपको। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए देखो, ये यहाँ पे फीस वगैरह जो 9th 10th 11th 12th की बात की जा रही है, सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो आप वहाँ पे, एक ही सब्जेक्ट नहीं सारे। 3000 या 3 मंथ का लोगे 12,000 रुपीज़ है, 6 मंथ का लोगे 17,000 रुपीज़ है, ऐसे 24 मंथ का लोगे तो 48,000 रुपीज़ है, या 2 साल की फीस आपकी टोटल पड़ेगी 48,000 रुपीज़ की, लेकिन यहाँ पर मंथ आपको कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 2,000 रुपीज़ ओनली। तो मेरे ख्याल से आइकोनिक्स वाला ज़्यादा बेटर है, आप ये वाला जरूर लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो, देखो कोई भी आप नीचे ऐप को इंस्टॉल करते हो, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, तो मेरा ये कोड यूज़ करना, रेफरल कोड, ठीक है, SATISH10, ठीक है, SATISH10 का यूज़ करना, जिससे 10% आपको और ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। ये फरवरी के 28 तारीख वैलिड है, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए और आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ अन अकेडमिक कॉम्बैट एग्जाम के बारे में, जो कि है कल। यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्स इसके होते हैं, स्कॉलरशिप प्लान आते रहते हैं, तो आप इनको ज्वाइन जरूर कर लेना, आपको तभी अपडेट मिल पाएगा। इसके लिए कोई फीस वगैरह चार्जेस वगैरह नहीं होती है, जो एग्जाम होते हैं जिससे आप स्कॉलरशिप वगैरह मिल पाएगा आपको, ठीक है। न्यू न्यू अपडेट्स है जो मुझे आपको देना पड़ता है, तो वो बिल्कुल आप ले, क्योंकि यहाँ पे आपके फायदे की बात की जा रही है। इसके अलावा अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लो फटाफट से, वहाँ जब डाउनलोड करोगे आप तो वहाँ पे जो जो फीचर में आपको कोड मांगा जाएगा रेफरल कोड, तो आप ये SATISH10 डालना, SATISH10, जिसके कारण आप एनरोल हो जाओगे अच्छे से, ठीक है, अभी डाउनलोड कर लेना इसको। इसके अलावा बताता हूँ आपको क्रिएटिव कॉर्नर, देखो क्रिएटिव कॉर्नर आप डायरेक्टली यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ 3,000 रुपीज़ का क्रिएटिव कॉर्नर पड़ेगा आपको, 6 मंथ का 10,000 रुपीज़, 15 मंथ का 18,000 रुपीज़ और 24 मंथ का 25,000 रुपीज़। तो ये क्रिएटिव कॉर्नर का आपको सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलेगी, डूडलिंग सीखने को मिलेगा, मैजिक म्यूजिक सीखने को मिलेगा, रोबोटिक्स, मतलब मैं वहाँ पर रोबोटिक्स पढ़ाता हूँ, वैदिक मैथ्स, कोडिंग, स्टोरी टेलिंग, बीट बॉक्सिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग, स्केचिंग, पाइथन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अन अकेडमी के ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर सीख सकते हो। आपको अलग 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 हर कोर्स का पे नहीं करना होता, एक बार पे कीजिए सारी चीज़ें सीखिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा SATISH10 का, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी। इसके अलावा यूट्यूब पे फीचर किया जाता है अकेडमी के लिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, 5 लाख रुपीज़ का स्कॉलरशिप प्रोग्राम। देखो आज सुबह ही मैंने बताया इसके बारे में पहले भी कि 13 फेब को हुआ था। इसके अलावा देखो अभी यहाँ पे 14 फेब का भी है, एनरोल कर लेना आप डिस्क्रिप्शन में जाके अन अकेडमी कॉम्बैक को, बहुत बड़ा इंडियाज़ लार्जेस्ट है, ठीक है, कॉम्पिटिशन चैंपियनशिप होता है ये, इसको जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको पूरा बता रखा है यहाँ पे प्री बोर्ड से लेके कैसे आप इसको एनरोल कर सकते हो। देखो 14 फेब टू 18 फेब तक 3 to 6 PM एनरोल कर लो आप, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने अन अकेडमी के बारे में बहुत सारी डिटेल दे दिया मैंने। कौन सा लिंक ओपन नहीं हो रहा है, टेलीग्राम वाला लिंक ओपन नहीं हो रहा, होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। मेरी बात सुनो आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है जितने भी इवेंट चल रहे हैं वो ज्वाइन कर लो आप, अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर लो। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे साथ 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 कि आपको सबसे पहले क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तभी अपना काम बनेगा, तभी तो आप मुझसे कनेक्ट रहोगे, तभी तो चीज़ें सीखोगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है अभी, ठीक है, वीडियो लाइक कर दो फटाफट से, मिलते हैं कल। सर रिले मॉड्यूल इज़ यूज इन रिलेशनशिप, यस आईटी टेक वी कैन यूज़ एनी मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक होम ऑटोमेशन, लाइक मोबाइल कंट्रोल सिस्टम और लाइक इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। रिले मॉड्यूल ऐसा जैसे आर्डिनो से कुछ भी कर सकते हैं, उससे भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, सर तिवारी ओके सर कोडिंग का लिंक, कोडिंग नमन जैन, मैं कोडिंग अभी कमेंट में डाल दूंगा आपको, रात में मिल जाएगा वो कोड, ठीक है। सर कोडिंग का लिंक, कोडिंग में दे दे आपको, कोड इज़ नॉट विजिबल, नहीं मैंने बता दिया, दोबारा दिख गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो के अंदर, मैंने बाद में दिखा दिया है। चलो ठीक है, बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। थोड़ी क्लास लंबी होगी मेरे ख्याल से आज, लेकिन मैंने सोचा आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीज़ें। चलो मिलते हैं बाद में।